नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको AACCC के द्वारा जो आपकी आलिया कोटा की आयुष कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई है उसका जो फाइनल रिजल्ट फर्स्ट राउंड का आया है उसी के बेसिस पे आपको कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो मिलेगी कि कितनी आपकी कट ऑफ रही है गवर्नमेंट सीट्स के लिए, आपकी कैटेगरी वाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की क्या कट ऑफ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेंगे। जो कट ऑफ है उसकी कैटेगरी वाइज कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया अगर आपने हमारा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। हमारी वेबसाइट educationmk.in का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर कट ऑफ की आल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट के लिए, तो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रही है वो आपकी रही है 544 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन हो गया अगर आपका BMS कोर्स में गवर्नमेंट सीट में। EWS कैटेगरी में बात करें तो 539 मार्क्स पे 539 मार्क्स पे आपका EWS कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। OBC कैटेगरी की बात करें तो 542 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड के लिए। SC कैटेगरी की बात करें तो 422 मार्क्स पे आपका फर्स्ट राउंड में BMS कोर्स मिल गया आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। ST कैटेगरी की बात करें तो 425 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल गई है BMS कोर्स में आल इंडिया कोटा के थ्रू आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो अब हम बात करते हैं आल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट एडेड सीट की। तो गवर्नमेंट एडेड सीट पे जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही वो आपकी 533 मार्क्स पे आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। EWS कैटेगरी में 529 मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपका OBC कैटेगरी में 530 नंबर पे एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में। SC कैटेगरी में 417 नंबर पे आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपको मिल गया है, और ST कैटेगरी में 396 नंबर पे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल गया आपको BMS कोर्स के लिए आयुर्वेदा के लिए। अब हम बात करते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रही है वो आपकी रही है BHU वाराणसी की। तो BHU वाराणसी की आपकी जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 593 मार्क्स, 593 मार्क्स सबसे ज़्यादा ये कट ऑफ गई है आपकी BMS कोर्स के लिए BHU वाराणसी की 593 मार्क्स पे। उसके बाद EWS कैटेगरी में 589 मार्क्स पे आपका EWS कैटेगरी में BHU वाराणसी में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद OBC कैटेगरी में भी 589 मार्क्स पे ही आपका एडमिशन BHU वाराणसी में BMS कोर्स में हुआ है। SC कैटेगरी में 471 मार्क्स पे आपका SC कैटेगरी में BMS कोर्स मिला है BHU वाराणसी में, और 445 नंबर पे आपको कॉलेज मिला है ST कैटेगरी में BHU वाराणसी BMS कोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में है उसके कट ऑफ की। तो उसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 581 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में BMS कोर्स मिल गया है। 576 में आपका EWS कैटेगरी में आपका एडमिशन हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में। OBC कैटेगरी में 573 नंबर पे आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में हो गया। SC कैटेगरी में आपका 456 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में एडमिशन हो गया, और ST कैटेगरी में 426 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में BMS कोर्स में आपका एडमिशन हो गया है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जयपुर में उसकी कट ऑफ में। तो इसकी कट ऑफ आपकी सेकंड नंबर पर ही सबसे ज़्यादा BHU की रही है, फिर सेकंड नंबर पे NIA जयपुर की रही है। NIA जयपुर में जनरल कैटेगरी में 590 नंबर पर आपका एडमिशन हुआ है। EWS कैटेगरी में 587 मार्क्स, 587 मार्क्स पर आपका EWS कैटेगरी में हुआ है। 584 मार्क्स पर आपका OBC कैटेगरी में हुआ है। SC कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ रही है NIA जयपुर की वो 479 है, और ST कैटेगरी के लिए 448 नंबर पे NIA जयपुर मिला आपको फर्स्ट राउंड में AACCC की जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट हुई है उसमें। अब हम बात करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में उसकी। तो जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रही है 563 मार्क्स, आपकी EWS कैटेगरी की रही है 559 मार्क्स, OBC की भी 559 मार्क्स रही है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में आपकी उसकी, और SC की 431 मार्क्स, और आपका
एसटी कैटेगरी की 409 मार्क्स, 409 नंबर पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग मिल गया है एसटी कैटेगरी में 409 नंबर पे। अब हम बात करते हैं जो आपका जो बीएमएस का टीबिया एनडी कॉलेज है उसकी, तो उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 595 मार्क्स रही है। तो ये भी देख सकते हैं बीएचयू से भी ज़्यादा इसकी कट ऑफ रही है, 595 मार्क्स पे आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में आपका जो टीबिया एनडी कॉलेज है उसमें हुआ है बीएमएस कोर्स के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 594 मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है बीएमएस कोर्स में, 593 मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, और 475 मार्क्स में आपका एडमिशन हुआ है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी कॉलेज की गई है 469 मार्क्स। तो इस कॉलेज की जो आपका टीबीएनडी कॉलेज है इसकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आता है इसकी जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है एसटी कैटेगरी की और जनरल कैटेगरी की ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी इसकी गई है, उसके बाद बीएचयू वाराणसी की, फिर आपका एनआईए जयपुर की। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। अब हम बात करें बीएचएमएस कोर्स की, तो बीएचएमएस कोर्स के लिए भी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपकी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही है 488 मार्क्स, 488 मार्क्स पे आपका जनरल कैटेगरी में बीएचएमएस कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। ईडब्ल्यूएस में 464 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी में 475 मार्क्स पे हुआ है, एससी कैटेगरी में 386 मार्क्स पे हुआ और एसटी कैटेगरी में 328 मार्क्स पे हुआ है। उसी प्रकार से बीएचएमएस कोर्स के लिए, होम्योपैथी कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट एडेड जो कोर्सेज है उसकी सीट्स के लिए जो आपका जनरल कैटेगरी में 481 नंबर पे आपका एडमिशन हो गया है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 473 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो गया, ओबीसी में 474 मार्क्स पे हो गया, एससी कैटेगरी में 383 मार्क्स पे हो गया और एसटी कैटेगरी के लिए 337 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की, तो 525 मार्क्स पे आपका एडमिशन बीएचएमएस कोर्स में जनरल कैटेगरी में हो गया, ईडब्ल्यूएस का 508 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी का 505 पे हुआ है और एससी कैटेगरी का 403 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी का 374 मार्क्स पे आपका बीएचएमएस कोर्स मिल गया कोलकाता में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में बीएचएमएस कोर्स की जो कट ऑफ रही है आपकी जनरल कैटेगरी की 505 मार्क्स रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 493 मार्क्स रही है, ओबीसी कैटेगरी की 493 मार्क्स रही है और एससी कैटेगरी की 394 मार्क्स रही है और एसटी कैटेगरी की 388 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही है बीएचएमएस कोर्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। तो इस प्रकार से आप सभी बीएमएस और बीएचएमएस कोर्स की कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम आपके जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन एम की, उस पर आपके ये सेंड कर देंगे तो वहाँ पे भी आप ये देख पाएंगे। सारे जितने भी आपके कॉलेजेज हैं उसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की कंप्लीट एनालिसिस के बारे में हमने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार के सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।